तो वैसे दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे आप लोगों को बता दें कि मनीष कश्यप पूरे 9 महीने के बाद बिहार के बेऊर जेल से मतलब बाहर आ चुके हैं। तो वैसे ये भी बता दूं कि मतलब मनीष कश्यप बहुत पहले आ जाते, मतलब गुरुवार को ही वो आ जाते, लेकिन गुरुवार को क्या हुआ मतलब अदालत में कि उनका जो जमानत का जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें उनका नाम आधा अधूरा लिखा हुआ था, इसके कारण उनका मतलब जमानत में डिले हो गया, इसके कारण मतलब जल्दी रिहा नहीं हो पाए। फाइनली मनीष कश्यप मतलब वो रिहा हो चुके हैं, मतलब बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण जल चुका है। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, पूरे इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट आज देने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बना ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस रिपोर्टर पूछता है मनीष कश्यप से कि आप सबसे पहले निकले हैं तो आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप बोलते हैं कि मैं दशरथ राम मांझी का जो भी पहाड़ काट के जो रास्ता बनाए थे वहाँ पर वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे वो एक बार मतलब जेल से निकलने के बाद सबसे पहले वो वहाँ जाना चाहते हैं। और गाइस नेक्स्ट मनीष कश्यप से रिपोर्टर पूछता है कि मतलब आपके साथ क्या क्या हुआ तमिलनाडु मतलब जेल में, आप कुछ बताना चाहेंगे। तो मनीष कश्यप बोलते हैं कि मेरे साथ जो जो भी हुआ वो आपको 1 से 2 साल वेट कीजिए, आपको सब वेब सीरीज के अकॉर्डिंग मतलब उसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मनीष कश्यप से रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या आप पहले के जैसा जैसे पहले रिपोर्टिंग करते थे कहीं पर भी जाके क्या वो अभी भी सिलसिला वो चालू रहेगा। तो मनीष कश्यप बिना हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि जरूर वो सिलसिला कंटिन्यू चालू रहेगा, वो सिलसिला कंटिन्यू चालू रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो अभी भी करूंगा और आने वाले वक्त में भी और कंटिन्यू में करता रहूंगा और रिलाय कंटिन्यू चालू रहेगा। तो गाइस मतलब पहले जैसे कंटिन्यू कर रहे थे रिपोर्टिंग, वो उसी तरह अब भी रिपोर्टिंग करेंगे। तो गाइस आप चाहते हैं कि क्या वो ऐसा रिपोर्टिंग करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। गाइस मनीष कश्यप ये भी बोलते हैं कि मतलब बिहार में एक बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ से भी एक बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ है भ्रष्टाचार का पहाड़, वो पहाड़ तोड़ने के लिए सब लोगों को मतलब मिल के मदद करनी होगी और सब लोग मिल के वो पहाड़ तोड़ेंगे, मतलब वो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। तो मनीष कश्यप ये बोलते हैं कि आई होप कि मतलब सब लोग मदद करें ताकि बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। तो गाइस मनीष कश्यप ने यह भी बोला कि वो अपने नानी के नाम पर जो भी उनकी नानी का घर डुमरी है तो वो डुमरी में मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे जो कि जैसा बिहार में कहीं ना हो वैसा मतलब हॉस्पिटल खोलेंगे, कैंसर हॉस्पिटल, और वहाँ पे फ्री में इलाज करा सकते हैं, मतलब बाहर से भी लोग इलाज कराने वहाँ पर आ सकते हैं और फ्री में इलाज होगा, मनीष कश्यप का ऐसा कहना है। और एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस, अगर मनीष कश्यप अगर जब भी अभी बाहर आए हैं तो गाइस बहुत ऐसे बातें पता चलेंगी, मतलब जो भी मतलब कोई कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब मनीष कश्यप भी जानते थे और कोई नहीं जानता था, और वहाँ क्या क्या हुआ वो अब बताएंगे लोगों को। गाइस रिपोर्टर पूछते हैं मनीष कश्यप से क्या आप पर सही में NSA लगाया गया था। तो मनीष कश्यप बोलते हैं कि नहीं, हम पे NSA लगाया ही नहीं गया था। दरअसल बात ऐसी कि NSA जब किसी भी व्यक्ति पर लगता है, किसी मनीष कश्यप का कोई व्यक्ति जब उस पर NSA लगता है तो गाइस उसका जो होता है ग्राउंड एविडेंस होना होता है। ग्राउंड एविडेंस बोले तो मतलब उसका पूरा बारीकी से जांच होता है कि वाकई में ये जो भी घटना किया है जिसके क्रम में इसको मतलब जेल हुआ है, वाकई में इस पर NSA लगाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर मतलब ग्राउंड एविडेंस का पता लगाया जाता है। तो गाइस जब ग्राउंड एविडेंस का पता लगाया गया तब मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि इसमें मतलब कुछ सबको पता है कि मतलब मनीष कश्यप ने कुछ किया ही नहीं है। तो गाइस ग्राउंड एविडेंस का जब पता लगाया तो कुछ हाथ नहीं लगा, जिसके कारण मतलब मनीष कश्यप पे कोई NSA लगा ही नहीं था। मनीष कश्यप के ऊपर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम जो कि मद्रास कोर्ट के मदुरई बेंच ने मतलब दिवाली से पहले ही उसको NSA को हटा दिया था, कुछ दिवाली से कुछ दिन पहले उस मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हटा दिया गया था। रिपोर्टर पूछते हैं मनीष कश्यप से कि आप अभी 9 महीने मतलब वहां पर रहे जेल में, तमिलनाडु जेल में, तो वहां पर मतलब जेल में थे तो एक दिन आपका मतलब वहां पर कैसे बीता था। तो गाइस मनीष कश्यप बोलते हैं कि वहां पर मेरा एक दिन बीतने का क्या शेड्यूल था, मतलब टाइम पास नहीं होता था, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, जैसे अब्दुल कलाम आजाद हुआ, इन लोगों का मतलब वो बुक पढ़ा करते थे क्योंकि उनको मतलब तमिलनाडु भाषा तो आता नहीं था, तो गाइस इसके चलते वो अंग्रेजी न्यूज भी कभी कभी पढ़ा करते थे, जिसके कारण उनका मतलब एक दिन जैसे जो भी होता है एक दिन दो दिन तो एक टाइम बीतता था। तो गाइस अंग्रेजी न्यूज पढ़ के कभी किसी का किताब पढ़ के, जैसे अब्दुल कलाम आजाद हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, तो बहुत ऐसे किताब से मतलब वो पढ़ के वो टाइम पास किया करते थे। और इस मनीष कश्यप से रिपोर्टर ये भी पूछते हैं कि आपको लोग जो है ना मतलब CM के पद पे देखना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप बोलते हैं कि मनीष कश्यप इस मामले को घुमा देते हैं, मतलब सही से जवाब नहीं देते, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी कुछ इस सब पर फोकस नहीं कर रहे, मतलब अभी सिर्फ रिपोर्टिंग करना है और
और इन लोगों के बीच रहकर मैं रिपोर्टिंग करूंगा, और बिहार के मतलब लोगों के बारे में, मतलब जो भी हो रहा है किसान छात्र छात्राओं मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इस सब के ऊपर मैं रिपोर्टिंग करूंगा। मतलब ये रिपोर्टिंग का काम इनका कंटिन्यू चलते रहेगा। और न्यूज 18 पंजाब के रिपोर्टर बोलते हैं, अगर आपके पास इतना समर्थन है तो आप तो बिहार बदल देंगे। तो मनीष कश्यप बोलते हैं कि ऐसे बिहार नहीं बदलेगा, श्री कृष्ण को भी महाभारत जीतने के लिए अर्जुन का सहारा लेना पड़ा था। सही बात है, मतलब अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तो श्री कृष्ण को भी महाभारत जीतने के लिए अर्जुन का मतलब सहारा लेना पड़ा था। तो गाइस अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब अगर हम चाहेंगे तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, अगर सब लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर स्टेट और मतलब कंट्री सब चेंज, मतलब बाकी में बदलाव होना है, तो सब लोग को साथ मिलकर इसमें प्रयास करना होगा, तब जाके अपना राज्य और अपना देश विकास करेगा। तो गाइस ऐसे में आप लोगों को क्या राय है मतलब मनीष कश्यप पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना गाइस।